दोस्तों, एक ऐसा कुआं जहाँ इच्छाधारी नागिन 600 साल से इस खजाने की रखवाली करती है। दोस्तों, यह घटना घटी मध्य प्रदेश के धनपुर गांव में। पहले तो इस गांव में अधिक लोग थे, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया और देखते ही देखते यह गांव एकदम वीरान हो गया। अब यहां बड़े बुजुर्ग ही रहते हैं। गांव में एक पुराना कुआं है जो वर्षों से इस कुएं में पानी नहीं आया है। इस कुएं में एक नागिन खजाने की रक्षा करती है। गांव के बड़े बुजुर्ग तो इस बात को मानते हैं, लेकिन एक अजय नाम का लड़का इस अंधविश्वास को नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसी बातों पर हम यकीन नहीं करते। गांव के कुछ लोगों ने अजय को समझाया कि इस कुएं में सच में इच्छाधारी नागिन है जो खजाने की रक्षा करती है, और जब कोई इस कुएं में उतरता है तो नागिन उसे नहीं छोड़ती। अब अजय ने ठान लिया कि अब तो इस कुएं में जाना ही है। जब गांव वालों के सामने अजय इस कुएं में उतरा तो अजय को एक सांप ने पांव में काट लिया। अजय चिल्लाकर वहां से भाग गया और उसे यकीन हो गया कि सच में इस कुएं में इच्छाधारी नागिन है जो खजाने की रक्षा करती है। तो जब बारिश होती है तो सभी जब कुएं से पानी भरते हैं तो उसी पानी में से सोना निकलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो अवश्य लिखिएगा ही, बल्कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।